सीटा चेक करो ये चेक करने सीटें कितनी लग्जरी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो मेरा लास्ट वाला व्लॉग था उसी का ही अगला हिस्सा है, और इसमें मैं जो मेरा राजा बस का एक्सपीरियंस था फैसलाबाद से सियालकोट तक का, ये वो एक्सपीरियंस शेयर होगा। और ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसके बाद तो वो शुरू होने लगा है। ये जनाब इस वक्त फैसलाबाद का जनरल बस स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ, तो वो देखें अंदर से राजा बसें आ रही हैं। अब इसी पे हमने सियालकोट जाना है। अब यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए खड़े हुए हैं, तो ड्रिंक्स लेकर फिर हम बस लेने जाएंगे। जगमग कैसे लाइनों में खड़ी हुई है। ये लाइफ का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है राजा बस का। अल्लाह है हैरियत से पहुँच जाए, इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड हो गया तो समझ जाएगा हम हैरियत से पहुँच गए हैं। एक मिनट ये जनाब सीटें सीटें ये चेक करने सीटें कितनी लग्जरी हैं। अब इनके स्टॉप्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो जिसने कभी सफ़र करना है इसके ऊपर तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको पता रहेगा। ये ले आप भी। वो ड्राइवर 10 बजे हैं और बाकी 10 बजे जो है वो बस चल गई है। एग्जैक्ट टाइमिंग है। कमाल एसी है, मैंने ऐसा एसी आज तक नहीं देखा जो इसके नेचुरल है ना, नेचुरल एसी है। पसीने आने लगे, इतना जबरदस्त एसी है इस बस का कि आपको बता नहीं सकता। सफर जो होता है ना वो वसीलतुल सफर होता है, तो आपको हर तरह से सफर करना चाहिए, आपको पता लगता है कि जिंदगी है क्या, मुशक्कत होती है तो करना चाहिए। हवा आएगी ठंडा हो जाएगा, जेरी चूड़ा नहीं है समझे आपको। जितने भी बीच में स्टॉप्स आ रहे हैं हर जगह ये रोक रहे हैं और हर जगह सवारियां बैठ रही हैं। सवारियां अंदर फुल हो चुकी हैं लेकिन अब ये छत पर जो है वो बिठाए जा रहे हैं, तो यानी जितने स्टॉप हैं उतनी सवारियां बढ़ती जाएंगी। एट द एंड 100-200 सवारी तो बैठ ही जानी है अंदर। छोटा जहाज है पाकिस्तान का, जनाब अंदर आई जा रही है, ठीक है, वहाँ को भाई जा रहे हैं अंदर, और जहाँ उनका स्टॉप आ रहा है वहाँ पे वहाँ बैठ रही है। पीछे आप चेक कर सकते हैं फुल धक्कम धक्की काम हो चुका है, अभी हम डीजल भरवाने के लिए खड़े हो गए हैं, ठीक है जी। सफर राजा बस में कर रहे हैं लेकिन इनके हाथ में ड्रिंक जो है वो मैकडोनल्ड्स की है। इस वक्त मंजन बेचने वाले भी आए हुए हैं। ये देखिए पीछे ये स्पीकर देखें आप, शायद आपको आवाज में ही ना आ रही हो, लेकिन इस वक्त राजा बस में मंजन बेचने वाले भी आए हुए हैं, और इनका जो मंजन है जो लगाए वो भी पछता है, जो ना लगाए वो भी पछता है। ठंडा हो जाएगा बता, लड़ाई पै गई जी। चेक कर रहे हैं आप फिर हैं बस के अंदर, इन्होंने सॉन्ग्स तो लगा दिए, इन्होंने सॉन्ग्स तो लगा दिए लेकिन आवाज़ जो है वो की कर रही है बस। फाइनली स्पीकर्स भी चल चुके हैं। लेकिन गाने कम ही समझ में आ रहे हैं। शेखपुरा से गुजर रहे हैं हम इस वक्त, अगर रहने वाले इस रोड को बहुबी पहचानते होंगे, इस चौक को काफ़ी बड़ा चौक है ये। फिर से इसकी विंडो का व्यू कुछ ऐसा है कि आपके पास इतना वाया है कि इसके अंदर से कोई निकल सकता है।
अच्छा सैडली इस क्लिप के बाद मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो फैसलाबाद से सियालकोट की जो टिकट थी राजा बस की, वो 800 रुपए की थी, और सीटें जो थी वो नहायत ही सख्त थी कि आप 15 से 20 मिनट बैठ कर ही आप उतार जाएँ। और अगर मेरी जैसे हाइट मतलब ठीक है, 5.9 या 10 है, तो मेरे जैसे बंदा जो उसके घुटने अगली सीट से लग के ना वो बस हो जाए। राजा बस में ना अच्छा मज़े की बात है कि आप बैठने की बजाय खड़े होकर सफ़र करें ना, तो वो फिर भी बेहतर है। फिर भी सफ़र बेशक थोड़ा सा क्रेज़ी था, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इसमें भी अपना मज़ा था। अगर आप फ्रेंड्स वगैरह, अगर दोस्त अब आपस में मिलकर अगर आज आपने सफ़र करना है, तो आपको मज़ा आएगा। फैमिली के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसमें मर्द हजरात जो होते हैं बीच में खड़े होते हैं, जो बीच में जो चलने का एरिया होता है वहाँ पर खड़े होते हैं, तो वो इतना ना मुनासिब नहीं रहता। तो इस वजह से अगर आप एज अ फ्रेंड्स सफ़र कर रहे हैं, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एंड पे आके अपने उतार जाना है। बहरहाल जब आप ऐसी बस पे सफ़र करते हैं, तो आपको आइडिया होता है कि जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है, अपनी कन्वीनियंस नहीं है, या कोई, या जो लोग एक अच्छी गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए कितना मुश्किल होता है इसमें डेली सफ़र करना। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी कि हम एक बेहतर गाड़ी में सफ़र कर सकें। मैंने ये देखा कि हर कोई अपने लाइफ स्टाइल में खुश होता है, तो हमें भी जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसमें खुश रहना चाहिए, और अपने से ऊपर देखने के बजाय नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए, ताकि हम मज़ीद एक खुशी वाली ज़िंदगी बसर कर सकें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। मैंने अगला व्लॉग शूट कर लिया हुआ है, और वो सियालकोट के बड़े बेहतरीन जगह की एक चांप है, तो वो अगले व्लॉग में है। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।